मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए की रकम हाई कोर्ट में जमा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पासपोर्ट और जर जमानत की रकम जमा करवाई। रकम डिप्टी रजिस्ट्रार इमरान सफदर के रूबरू जमा करवाई गई। नकद रकम के साथ चंद पे ऑर्डर्स भी जमा करवाए गए हैं। मचलकों की जांच पड़ताल के बाद मरियम नवाज की रिहाई की रोबकार जारी होगी। हमारे मुतालिबात पूरे करो, नाबीना अफराद डट गए। चेयरिंग क्रॉस पर धरना, पैदल मार्च के बाद वजीर आला ऑफिस के सामने पड़ाव। मुतालिबात मंजूर ना होने पर दोबारा सड़कों पर आए। मुजाहिरीन का मुलाजमत पर मुस्तकिल करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मॉल रोड पर धरने के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। LWMC के वर्क चार्ज मुलाजमीन की सुनी ना जा सकी। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, वर्क चार्ज मुलाजमीन इजाफी तनख्वाहों से महरूम। 10,000 मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में 2,000 रुपये इजाफा किया गया था। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ताखीर पर बरहम। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम मनाने की भरपूर तैयारियां। गणपत रोड पर खरीदारों का रश, सजावटी सामान की खरीदारी जारी। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात, भारत से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू। वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की लाहौर आमद। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने इस्तकबाल किया। गुलुकारा राबी पीरजादा डिप्रेशन का शिकार। गैर कानूनी तौर पर सांप और मगरमच्छ पालने का केस अदालत में पेश ना हुई। हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट हारिस सदीकी ने 30 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया।